हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली। आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे कि अपना जो यूज़र राउट वाला जो फाइल है उसका हम लोग सेटअप करेंगे, जिसके अंदर हमारे यूज़र से रिलेटेड जितने भी एक्शंस होंगे उन सब का जो कोड होगा वहां पे मौजूद होगा। जैसे कि लॉगिन करना हुआ, नया यूज़र बनाना हुआ, ये सारा काम वहां पर होगा। इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है मेरे चैनल से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट जो आप तक पहुंच जाएंगे। और साथ ही में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राउट्स में चलेंगे और यूजर डॉट जेएस को ओपन करेंगे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में पहले ही बना लिया था। यहाँ पर हमें सबसे पहले लाइब्रेरीज को जो है इंक्लूड करना होगा या हम कहें इम्पोर्ट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, एक कमेंट लिख देते, तो मैंने कहा इम्पोर्ट लाइब्रेरी, ये मैंने लिख दिया इम्पोर्ट लाइब्रेरी मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, वही सेम, सबसे पहले आपको एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना होगा, इक्वल टू लगाना है। यहाँ पे आपको लिखना होगा रिक्वायर, ये मैंने लिखा रिक्वायर, ये आ गया। आपको यहाँ पे ही लगाना है पैरेंथेसिस इनवर्टेड कॉमा के अंदर, आपको लिखना है एक्सप्रेस ये, और फिर आपको एक्सप्रेस से बनाना होगा राउटर, ये मैंने लिखा ये, इक्वल टू यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट की स्पेलिंग जो सही कर लीजिएगा, ये यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर। आपको नहीं लिखना होगा, लिखना होगा एक्सप्रेस डॉट राउटर आपको लिखना होगा, इसको आपको लिखना है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद आपको किसकी ज़रूरत होगी, आपको ज़रूरत होगी बी क्रिप्ट जेएस की। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी क्रिप्ट इक्वल टू सेम वही, फिर आपको लिखना होगा रिक्वायर ये, और इसके अंदर आपको लिखना होगा बी क्रिप्ट जेएस, ये मैंने लिख दिया ये। उसके बाद आपको ज़रूरत होगी जो आपका JWT है, जेसन वेब टोकन, इसकी आपको ज़रूरत होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर ये, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जेसन वेब टोकन, इसकी हमें ज़रूरत होगी। उसके बाद हमें किसकी ज़रूरत होगी, जो दूसरा जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो हमारा है टोकन की। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोकन की, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब यूज़र को लॉगिन करेंगे तो उसके साथ हम लोग एक नया जेसन वेब टोकन बनाएंगे, और उसके डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए हमें टोकन की ज़रूरत होगी, जो कि हमारे एनवायर फाइल में जो ऑलरेडी मौजूद है एनवायरमेंट फाइल में, तो उसे हम लोग को यहाँ पे एक्सेस करना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोसेस डॉट env, ये डॉट आपको लगाना है और आपको लिखना है टोकन की। तो ये मैंने लिख दिया टोकन अंडरस्कोर की आपको लिख दे रहा है, और यहाँ सेमी कॉलन आपको लगा दे रहा है। उसके बाद अगर कोई और लाइब्रेरी बच गई है तो उसे भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए। तो जैसे कि मेरे पास जो आपका एक्सप्रेस वैलिडेटर है उसे हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, और उसी की मदद से जो हम लोग का वैलिडेशन का काम होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, ये आपको लिखना है। इसमें आपको चेक करके एक फंक्शन है आपको उसे कॉल करना है, और वैलिडेशन रिजल्ट करके एक फंक्शन है आपको उसे कॉल करना है। यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दीजिएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो मिडिल वेयर वाला सेटअप होता है वो हम लोग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा मिडिल वेयर सेटअप, ये हम लोग लिखते हैं, ये जो स्पेलिंग है वो सही कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको लिखना होगा राउटर डॉट, आपको लगाना है यूज़ लिखना है ये पैरेंथेसिस, यहाँ पर आपको लिखना होगा एक्सप्रेस डॉट जेसन। पहले हम लोग जो बॉडी पार्सर का यूज़ किया करते थे, लेकिन अब जो है नए एक्सप्रेस का जो अपडेटेड वर्जन है उसमें उसे मतलब जो है अभी हटाया नहीं गया है, पर ये जो वार्निंग आता है कि आप इसका यूज़ मत करिए तो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। सेमी कॉलन आपको लगाना है। उसके बाद आप फिर इसी लाइन को यहाँ से करिएगा कॉपी, यहाँ पेस्ट करिएगा। यहाँ पर जो है आपको लिखना होगा URL encoded, इसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना होगा जिसके अंदर आपको लिखना होगा एक्सटेंडेड कॉलन, आपको ट्रू लिखना होगा। तो ये आपको काम करना होगा। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने बॉडी पार्सर का यूज़ किया होगा तो वहाँ पर हम लोग यही दो काम किया करते थे, और यहाँ पे हम लोग बॉडी पार्सल लिखते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पे एक्सप्रेस लिखना होगा। बॉडी पार्सल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ आपको एक काम और करना है कि आपने जो यूज़र मॉडल वहाँ बनाया अपना उसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पे वो रिक्वायर वाला जो है यूज़ करना है डॉट फॉरवर्ड स्लैश, दो बार डॉट बैक जाना होगा, मॉडल्स पर जाना है फॉरवर्ड स्लैश, यूज़र में आपको जाना होगा, सेमी कॉल लगाना होगा। इसी की मदद से हम लोग जो क्या करेंगे MongoDB पे नया डेटा स्टोर करेंगे और ये सारा काम करेंगे, तो इसलिए मैंने ये काम यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि इम्पोर्ट यूज़र मॉडल, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि index.js वाले फाइल में जाना है। यहाँ पे जो आपने एक API बनाने का जो सिंपल स्ट्रक्चर लिखा था इसी को कॉपी करके user.js में जाके पेस्ट कर दीजिएगा, और ये जो है आपका डिफॉल्ट राउट बन जाएगा आपके यूज़र को जो API है उनके लिए बनेगा ये। तो इसका एक्सेस कैसा होगा, पब्लिक होगा, मेथड कौन सा यूज़ करेगा, गेट वाला करेगा, और हम लोग यहाँ पे कहेंगे डिफ़ॉल्ट यूज़र API राउट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफ़ॉल्ट यूज़र API राउट, ये लिख देंगे।
और ये जो 200 यही रहेगा सेम ट्रू, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लिखा होगा यूज़र एपीआई, जब एड्रेस बार में कोई व्यक्ति ये लिखेगा बेस यूआरएल के साथ तो जो है ये वाला राउट ओपन होके आ जाएगा। सेमी कॉलन आपको लगाना है, एंटर दबाना है और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको जाके लिखना होगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स आपको लिखना होगा इक्वल टू राउटर वाला जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था उसे आपको पास कर देना होगा। फिर आपको इसको जो है इंपोर्ट करना होगा अपने इंडेक्स डॉट जेएस में। तो इंडेक्स डॉट जेएस पर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि एपीआई राउट्स इंपोर्ट, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा यूजर, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं यूजर एपीआई, ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यूजर इक्वल टू, या फिर यूजर नहीं लिखते क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे वही लिख लेते हैं यूजर राउट्स, आप लिख लीजिए ये राउट्स या यूजर राउट लिखते हैं, इक्वल टू लगाते हैं रिक्वायर जो आपको वाला करना होगा ये। फिर आपको यहाँ पे आना है इन्वर्टेड कॉमा डॉट फॉरवर्ड स्लैश, कहाँ पे मौजूद है इसमें, कहाँ पे जाना है यूजर में। उसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है सेमी कॉलन, और यहाँ पे जो फाइल नेम आप लगाते हैं इनके साथ आपको डॉट जेएस लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसके बाद आपको क्या आना होगा यहाँ पे ऐप डॉट यूज जो कि इसी के नीचे आना होगा, यहाँ पर आपको आके अब क्या करना होगा, अब यहाँ पर आपको वर्चुअल पाथ प्रीफिक्स आपको बनाना होगा। तो हम लोग आप लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश एपीआई फॉरवर्ड स्लैश यूजर, और यहाँ पर जो यूजर राउट्स को हम लोग पास कर देंगे। तो ये करना है आपको सेमी कॉलन लगाना है, यहाँ भी सेमी कॉलन लगा दीजिए, हम लोगों ने छोड़ दिया था। अगर आप सेमी कॉलन ना भी लगाए तो भी जो है नहीं आता है, पर लगा ही लीजिएगा ज़्यादा सही रहेगा। रिएक्ट जेएस में ऐसे आपने देखा होगा कि मैंने कहीं पर भी सेमी कॉलन नहीं लगाया तो उसमें चलता है, लेकिन यहाँ पर कर लीजिएगा। तो ये मेरा काम हो गया, ये यूजर राउट वाला मैंने बना दिया। अब वेब सर्वर आपको जो स्टार्ट करना होगा तो बैकएंड वाला जो कमांड प्रॉम्प्ट से ओपन करेगा जो कि बैकएंड को पॉइंट कर रहा है उसमें आपको लिखना होगा नोड मॉन। तो मैंने लिखा ये नोड मॉन, एंटर दबाया। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, कह रहा है ऐप इज नॉट डिफाइंड। तो ऐप कहाँ डिफाइंड नहीं है वो देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर जो है इसमें जाना, इस फाइल में गड़बड़ है। यहाँ पे देखिए फाइल नेम उसने बताया होगा यूजर डॉट जेएस में प्रॉब्लम है राउट्स वाले फोल्डर में, लाइन नंबर 22 पर, यह भी बता दिया। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पे देखिए, देखिए आपने ऐप लिखा था, यहाँ पे आपको लिखना होगा राउटर, ये लिखना है। तो ये चेंज कर लीजिएगा, वापस चलेंगे यहाँ पे और ये देखिए सर्वर आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा। पोस्टमैन को ओपन कर लीजिएगा, इसमें जाना है, नया बनाना है, मेथड कौन सा चाहिए गेट वाला, बेस यूआरएल क्या है वो लिख दीजिए। तो मैंने कहा ये लोकल होस्ट कॉलर लिखना है आपको, ये मैंने लिखा कॉलर, पोर्ट नंबर क्या है 1000, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या लिखा होना चाहिए एपीआई, क्या लिखा होना चाहिए यूजर, और क्या होना चाहिए सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश, सेंड पे क्लिक करिए और ये देखिए आपका जो है डिफॉल्ट यूजर एपीआई राउट का जो रिक्वेस्ट है वो आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपका यूजर राउट का जो सेटअप का काम था वो बिल्कुल सक्सेसफुली कर रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अपना जो लॉगिन वाला काम है वो हम लोग करेंगे और जो दूसरे काम है वो भी करेंगे। तो हम लोग अपने कोड को जो गिटहब पे पहुंचा देते हैं, सारा का सारा कोड जो भी चेंज किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे आना है, प्लस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर जाना है मैसेज में, और यहाँ पे जाके आपको लिखना होगा जो हम लोग लिखेंगे, लिखेंगे कि यूजर राउट सेटअप, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पे टिक मार्क पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आना है, पुल पुश पे आना है, पुश टू पे आना है, ये सेलेक्ट करिए, सारा कोड जो है गिटहब पे पहुंच जाएगा। इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझे अपने डाउट्स ईमेल पर भी भेज सकते हैं, ईमेल जो आपको वीडियो के साइड में दिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।